तो वही देश में पिछले 10 दिनों से भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई राज्यों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वही लू की वजह से राजस्थान में 9 लोगों की जान तक चली गई है। आपको बता दें, बालोतरा और जालौर जिलों में 4-4 और जैसलमेर में 1 व्यक्ति की जान चली गई है। वही प्रचंड गर्मी की वजह से हरियाणा में 2 और मध्य प्रदेश में 4 लोगों ने जान चली गई है। इसके अलावा केरल में मानसून पूर्व बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ और बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, राजस्थान में तापमान लगातार 50 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। बाड़मेर में तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जालौर में अधिकतम तापमान 47.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वही जयपुर मौसम कार्यालय के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि निकट भविष्य में पश्चिमी विक्षोभ से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बीकानेर संभाग के सभी स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर है और कहीं कहीं 47 डिग्री से भी ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा फलोदी में भी अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही कहीं कहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4.5 डिग्री से ऊपर है, यानी सीवियर हीटवेव के साथ साथ कहीं कहीं वार्म नाइट की कंडीशन फिलहाल बनी हुई है। आगामी दिनों में तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल अगले 24 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, परंतु 25, 26 और 27 मई के दौरान अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जिन स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है, 25 और 26 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तापमान 48 से और ऊपर जा सकता है, यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। यानी कि इस समर सीजन में या ये जो हीट वेव का स्पेल चल रहा है, इसका जो पीक जो समय है वो 26 मई को कह सकते हैं, यानी 25, 26 और 27 मई को सीवियर हीट वेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के सभी भागों में रहेगी।